देखो अगर फ्लक्स बढ़ रहा है, इंक्रीज करेगा तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन। फ्लक्स बढ़े तो पुट्ठे काम करने हैं, तो क्या करना है, पुट्ठे मतलब अपोजिट काम करने हैं। बताता हूं एग्जांपल से, फ्लक्स घटे तो सेम डायरेक्शन मतलब अपोजिट डायरेक्शन, और अगर फ्लक्स दोनों घटे में फ्लक्स घटे तो सेम डायरेक्शन, फ्लक्स घटे तो, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कुछ लोगों को, बताता हूँ क्या फंडा है, एग्जाम्पल समझाता हूँ ठीक है जी। मान लो एक स्ट्रेट वायर है, क्या है, एक स्ट्रेट वायर है मेरे पास ठीक है जी, इसमें करंट आई है और यहाँ एक लूप रखा हुआ है, एक स्ट्रेट वायर आई है उसमें करंट आई है और एक लूप रखा हुआ है, और ये आई बढ़ रहा है, आई बढ़ रहा है, तो बच्चा ये बताओ मेरे को कि अगर, रिकॉर्ड तो मैंने किया नहीं किया ठीक कर रहा, मैं बोल रहा हूं कि अगर स्ट्रेट वायर थी ऐसे, करंट ऊपर है ना बच्चा, तो इस लूप में क्या निकालना है, करंट की डायरेक्शन निकालनी है, तो स्ट्रेट वायर पे अगर अंगूठा रखा, हथेली किधर जा रही है, इनसाइड अंदर और अंदर जा रही है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, और फॉर्मूला भी याद है मुझे, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू आई, आई बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, तो लाइनें किधर बढ़ रही हैं इसमें, अंदर या बाहर, अंदर अंदर फील्ड है और फील्ड बढ़ रही है तो अंदर बढ़ रही है, अंदर बढ़ रहे हैं, बढ़े तो अपोजिट डायरेक्शन, किधर बढ़ रहा है, अंदर बढ़ रहा है ना, तो बाहर पैदा करेगा, तो बाहर मतलब क्या, आंटी आंटियां बाहर घूमती है, बताया था मैंने, नॉर्थ की आंटियां बाहर घूमती हैं, तो एंटी आएगा, तो करंट कैसा आएगा इसमें, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज। ACW ठीक है बच्चा, याद रहेगा ये। इसने पता क्या है, जैसे मैं एग्जांपल दे, मान लो पहले इसमें 5 लाइनें अंदर जा रही थी, मान लो ठीक है अंदर जा रही है, अब 10 लाइनें अंदर जा रही हैं, तो इसको ना फ्लक्स में चेंज पसंद नहीं है, फ्लक्स को कांस्टेंट रखता है, तो पहले 5 जा रही थी अब 10 जा रही हैं, तो 10 को वापिस 5 लेके आना है इसको, तो कैसे ला सकता है, बाहर पैदा करके, तो बाहर पैदा करेगा, बाहर पैदा करने के लिए आंटी करना पड़ेगा, मैंने तुम्हें लिखवाया था ना नॉर्थ की आंटियां बाहर घूमती हैं, ऐसे याद रखना, बाहर मतलब आंटी, आंटी मतलब नॉर्थ ठीक है जी, और साउथ के अन्ना, साउथ के अंकल अंदर और इडली खाते हैं ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट जो आपको मैं दे रहा हूं सवाल, वो क्या है, मान लो ये मेरे पास, चलो देता हूं, बड़ा कॉमन सेंस क्वेश्चन है, आई कांस्टेंट क्या है, आई कांस्टेंट, और ये लूप में इधर ले जा रहा हूं, लूप में इधर ले जा रहा हूं बच्चा, तो क्या इसमें चाहिए। EMF आएगी, चाहिए। प्लस होना कौन लावे क्लास आएगी आएगी, क्यों आएगी हाँ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदलेगी इस तरह, उसके मैं पास ज्यादा होती है, इस मान उसके लो यहाँ पास आ कम गया, होती यहाँ आ गया मान लो, तो है। यहाँ पे फील्ड ज्यादा थी, यहाँ फील्ड कम है, तो मतलब फील्ड घट रही है, फील्ड घट रही है, अंदर घट रही है ना, अंदर अब घट रही है, घटे तो सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन मतलब अंदर पैदा करनी पड़ेगी, अंदर बोले तो क्लॉकवाइज, बात चमक गई, हाँ ना बोलो बोलो पापियों, यस यस सर तुम दुखी क्यों बोलते हो, मैं तो यहां नहीं बोलता हूँ यार, तुम लाइव बैठे हो तो बता देता हूँ, अपनी शक्ल दिखती नहीं, तुम पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे हो, तो रिस्पॉन्स तो मांगेगा बंदा, अरे सर वो यस सर रिकॉर्डिंग की यस वजह से सर, आवाज ऐसी आ रही है, खुशी से बोल रही है। अच्छा चलो सुनो, अरे बच्चा सुनो, जैसे मान लो चलो नेक्स्ट आपको प्रॉब्लम दे रहा हूं, मान लो मैं ये वाली, ये करंट है ऐसे और ये करंट घट रहा है, करंट घट रहा है और लूप रखा है यहाँ पे, लूप रखा है यहाँ पे, तो बताओ इस लूप में करंट की डायरेक्शन क्या आएगी आंटी अंकल, अंदर की तरफ होना चाहिए, तो मतलब एंटी एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज। एंटी आएगी, फिर से एंटी आएगी, देखते हैं, देखो इधर
तो अंदर है तो इधर बाहर बाहर आएगी ना, तो बाहर है यहाँ पे डायरेक्शन और बाहर क्या कर रही है, घट रही है, घटे तो सेम डायरेक्शन में तो बाहर ही पैदा करेगा, तो बाहर मतलब आंटी, सिंपल सी बात है, आ गया समझ में। चल अब तुम्हारा सीबीएसई क्वेश्चन दे रहा हूँ, लल्लू क्वेश्चन, ये सीबीएसई क्वेश्चन लल्लू सा, ठीक है जी। ऐसे करंट बढ़ रहा है, ये लूप ए ये लूप बी, बताओ ए में आंटी आएगा अंकल आएगा और बी में आंटी अंकल, बाहर ए में तो क्लॉकवाइज, अच्छा अब बी में अंदर जाना रहे बाहर और बी में एंटी क्लॉकवाइज, अच्छा ठीक। देखो अगर मैं लूप ऐसे रखा है यूं कर दूं तो इधर अंदर मतलब बी के तो अंदर जा रहा है और ए से बाहर आ रहा है, इतनी बात समझ में आ रही है, तो बाहर बढ़ रहा है करंट, बढ़ रहा है तो फील्ड बढ़ेगी, बाहर बढ़े तो पुट्ठे काम करने हैं तो अंदर करना पड़ेगा, अंदर बोले तो क्लॉकवाइज, गुड शाबाश। इसमें अंदर बढ़ रहा है, अंदर बढ़ रहा है तो पुट्ठे काम करने पड़ेंगे यानी बाहर करना पड़ेगा, बाहर बोले तो एंटी क्लॉकवाइज, गुड बच्चा शाबाश। ठीक है यहां तक कोई तकलीफ, अच्छा अब हाँ मान लो एक लूप ऐसे इसमें करंट आई है और ये करंट बढ़ रहा है, ठीक है जी। एक लूप मैंने यहाँ बाहर रखा हुआ है, ये लूप को नाम दिया मैंने ए, इस लूप में करंट कैसा आएगा, आंटी या अंकल? बोलो भाई, क्लॉकवाइज सर, पूछ रहे हो बता रहे हो, बता रहे हैं, अच्छा फिर ठीक है, क्लॉकवाइज सीम्स टू बी राइट, दो बच्चों ने दिया आंसर, तो एक साक्षी ने दिया है, किसने दिया है, तो ठीक है देखते हैं बच्चे। तो एक बात बताओ इसमें करंट की डायरेक्शन कैसी है, जो ये लूप दिख रहा है आपको, इस लूप में करंट की डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज है ना बच्चा, तो इससे लाइनें अंदर जा रही होगी, क्लॉक क्लॉक बोले तो अंदर, तो यहाँ जो बाहर वाला रीजन है वहां पे क्या आ रही होगी, बाहर आ रही होगी बच्चा, तो लूप ए से लाइनें बाहर आ रही हैं, लूप ए से लाइनें बाहर आ रही हैं। बताया था मैंने कि जो लूप होता है वो दो हिस्सों में बांटता है, एक इनर रीजन में और एक आउटर रीजन में, और दोनों में फील्ड अलग अलग आती है बच्चा, ठीक है जी। तो अब बाहर बढ़ रही है, बढ़े तो अपोजिट, अंदर अंदर बोले तो क्लॉकवाइज, गुड साक्षी एंड योगिता जी। बाकी लोगों को आया भाई? यस सर, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट कर ले बच्चा, नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम दे दूं, क्लियर कर दूं इसको? यस चलो एक लूप अंदर रख दिया, लूप के अंदर लूप ए, इसके अंदर बताना है वो करंट कैसा आएगा, आंटी आएगा अंकल आएगा, क्लॉकवाइज आएगा, देखते हैं भाई। चलो लूप में करंट कैसा है, आंटी है ना, तो अंदर तो बाहर आ रहा है, ठीक है बाहर बढ़ रहा है, बाहर बढ़ेगा तो अब बढ़ना मतलब अपोजिट काम, तो अंदर आएगा, तो अंदर बोले तो क्लॉकवाइज, गुड बच्चा, वेरी गुड, ठीक है। ऐसे काम कर लोगे, कोई खास बात तो नहीं है, ठीक है। अब एक आधा एग्जांपल और देता हूं, मान लो बाया वाले बच्चे समझ जाएंगे, दिस इज जिंजर, जिंजर जैसी शेप नहीं है इसकी, चलो कोई बात नहीं, अमीबा बोलो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है और मैंने क्या कर रखा है, इसको खींच खींच के क्या बना दिया, सर्कल बना दिया, चार तरह से खींच दिया इसको और क्या बना दिया, बड़ा सर्कल बना दिया। तो इस सर्कल में बच्चा करंट की डायरेक्शन कैसी आएगी, आंटी अंकल? तो
एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अच्छा जी, अंदर बढ़ रही है ना, फील्ड अंदर है तो अंदर है, एरिया बढ़ेगा तो मैग्नेटिक वो फ्लक्स बढ़ेगा, अंदर बढ़ रहा है तो बाहर आना पड़ेगा, बाहर बोले तो एंटी। एक और प्रॉब्लम दे देता हूँ ठीक है जी, जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है इधर डॉट 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 बोले तो बाहर, और एक मेरे पास ऐसे कोई लूप है स्क्वायर रेक्टेंगल कुछ भी मान लो, अभी तो बाहर है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जब ये अंदर घुसेगा ठीक है जी तो करंट कैसा आएगा? क्लॉकवाइज। अंदर घुसेगा तो क्लॉकवाइज आएगा, बाहर बढ़ रहा है ना, देखो अभी तो यहाँ पे है, कुछ टाइम बाद ऐसे होगा ये सिस्टम, तो पहले के मुकाबले लाइनें बढ़ रही हैं मानते हो, तो बाहर बढ़ रही हैं, बाहर बढ़ेंगी तो अंदर आएगा, तो अंदर आएगा तो बोले तो क्लॉकवाइज, वेरी गुड। जब ये पूरा अंदर पहुंच गया तब कोई करंट ही नहीं होगा, जीरो, क्यों? करंट ही नहीं होगा, क्योंकि फ्लक्स बदल नहीं रहा पूरा, चेंज ही नहीं है ना। वेरी गुड, शाबाश, कितने होशियार बच्चे मेरे, ठीक है जी। चलो अब जब ये बाहर निकलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, बाहर निकलेगा तो लाइनें घट रही हैं, अंदर घट रही हैं तो बाहर पैदा, बाहर घट रही हैं तो बाहर पैदा करना पड़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आ गई? चल एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछ लूं थोड़ा सा। यस रोके कौन तेरे को, है ना, पापी इंसान ले। ऐसे है, मान लो ये मेरे पास ऐसे, ये है इसका रेडियस मान लेते हैं अपन कैपिटल आर, क्या मान लें, कैपिटल आर मान लें, और एक छुटकू सा मेरे पास जो है ऐसे, एक और लूप है मान लो, इसका रेडियस मान लें छोटा आर, ठीक है जी। ये है मेरे पास ए लूप और ये है मेरे पास बी लूप, ठीक है जी, और मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इतने एरिया में है, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इतने एरिया में है, दिख रहा है बच्चा, शायद ये बीच बीच हो गया, दिख रहा है, चलो ठीक, थैंक यू। तो पूछ रहा हूँ फ्लक्स थ्रू लूप बी कितना है और फ्लक्स थ्रू लूप ए कितना है, पहले बता चुका हूँ तुम्हारे को मैं, लेकिन तुम्हें याद है या नहीं पता नहीं, बी इंटू पाई इंटू छोटा आर का स्क्वायर, ये तो छोटे वाले में हो, बड़े वाले में लूप के मतलब नहीं है, हमें लूप के एरिया से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है, उस एरिया से जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है और लूप के अंदर आना चाहिए, तो इससे भी जो फ्लक्स पास होगा वो बी इंटू छोटा पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू छोटा आर स्क्वायर। बात चमक गई बच्चा यहाँ तक, कोई तकलीफ किसी बालक को? नो सर। चलो तो लेंस की स्टेटमेंट क्या थी, लेंस के तुम्हें मैंने सारे एग्जांपल्स में करा दिए, लेकिन लेंस की स्टेटमेंट क्या थी, उसको फ्लक्स में बदलाव पसंद नहीं है, इट अपोजेस द चेंज, इट अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की करंट डायरेक्शन जो होगी वो ऐसे होगी कि वो चेंज को अपोज करेगी, ठीक है बच्चा। अगर मान लो क्या कहता मैं, फ्लक्स बदलना बंद हो गया मान लो, तो क्या करंट आएगा? नहीं, जब तक फ्लक्स बदल रहा है ना तब तक करंट आएगा, जैसे ही फ्लक्स बदलना बंद हो गया ना उसी टाइम करंट बंद हो जाएगा। दूसरा पूछते हैं कि लेंस लॉ किस पे बेस्ड है, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन, वेरी गुड। कौन बोल रहा है ये? किरण। किरण, क्या बात है किरण, छक्का मार तुमने आज, बिल्कुल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ये पूछ तो लेते हैं कंजर्वेशन एनर्जी पे कैसे शो करोगे इसको। अच्छा एक तो मैं क्वेश्चन पूछना ही भूल गया तुमसे यार, थैंक यू किरण याद दिलाने के लिए। चल सुन, एक था मेरे पास जैसे मान लो ये मेरा फेवरेट है, ठीक है बच्चों, मैंने याद करा ढंग से अच्छे तरीके से, ठीक है जी। ये लूप है मान लो, ये लूप है, ऐसे लूप है मान लो, ठीक है जी, और यहाँ से बार मैग्नेट आ रही है, क्या आ रही है, बार मैग्नेट। तुम्हें याद कराया था ना बच्चा? यस सर। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, पास लेके जा रहे हैं, तो इसके इस एंड पे करंट की डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ यानी एंटी क्लॉकवाइज। देखो क्या होता है, तुम पास जा रहे हो ना, पास जा रहे हो, रिपेल करेगा तो पास जाएगा तो दूर भगाता है बंदा, ठीक है। जब आप किसी पास जाओगे दूर भगाएगा, दूर जाओगे तो पास भगाएगा। अब आपको पता है नॉर्थ नॉर्थ क्या करते हैं, रिपेल करते हैं,
साउथ साउथ क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है जी? तो अब पास जा रहे हो तो दूर भगाना है ना उसने, तो दूर भगा के क्या बनेगा, नॉर्थ बनाएगा तभी दूर भगा पाएगा वो, नॉर्थ मतलब एंटी। अगर आप दूर जा रहे होते तो पास बुलाना है, पास बुलाना मतलब क्या बन जाएगा, साउथ साउथ बोले तो क्लॉकवाइज, ऐसे लिख के बताना कि पास बुलाना दूर बुलाना, इसमें याद करने बताया मैंने, ठीक है जी? कहीं तुम लिख आओ कि दूर जाओगे तो पास आएगा, ठीक है जी? ऐसे मत करना पाप, लिख देना। अगर तुम्हें डंका एक्सप्रेशन चाहिए सुन, क्या होता है डंका एक्सप्रेशन, क्या है कि नॉर्थ से लाइने बाहर निकलती है, लाइने बाहर निकलती है तो लूप के अंदर जा रही होंगी, आना बोलो। जब आप पास जाओगे तो मिनट फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो अंदर लाइनें बढ़ रही हैं, अंदर लाइनें बढ़ रही हैं, तो चेंज पसंद नहीं है, बड़े तो अपोजिट काम करना है ना इसको, तो चेंज पसंद नहीं तो बाहर पैदा करेगा, तो बाहर बोले तो आंटी, ऐसे, ठीक है? बात समझ में आ गई, ऐसे एक्सप्लेनेशन देना। बट हाँ, ऑब्जेक्टिव पूछते हैं एक नंबर के लिए, एक नंबर क्वेश्चन आता ना कि विदाउट डायरेक्शन क्या है, तो वहां तुम्हें क्रॉस चेक करने के लिए शॉर्ट ट्रिक तुम्हें बता रखी मैंने, ठीक है जी? चलो, एक मेरा एनसीईआरटी क्वेश्चन, सबको पता ही है। अब लूप ऐसे है और 12 मिनट ऊपर से आ रही है, तुम्हें आंसर भी याद होगा, पक्की बात है, तुम रटने में चैंपियन हो तुम लोग, ठीक है जी? यस सर। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है जी? इसको छोड़ दिया तो इसका एक्सेलरेशन जी से ज्यादा आएगा, कम आएगा? कम आएगा सर। कम क्यों आएगा? क्योंकि mg माइनस फोर्स रिपेल करेगा, तो नीचे mg लग रहा है और ऊपर फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेशन कम आ जाएगा, ठीक है जी? जब वो नीचे जाएगा तब ज्यादा आएगा ना? कम ही आएगा सर। दूर जा रहा है ना, फिर पास बुलाएगा तो ऊपर फोर्स लगाएगा और नीचे mg, तो फिर से कम आएगा। तो आई होप मैंने आपको लेंस लॉ समझा दिया एटलीस्ट, ठीक है जी? लेंस लॉ समझ में आ गया? यस सर। यस सर। फैराडे लॉ करना है, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस और इमोशनल करना है। ये टॉपिक खत्म करना है दो तीन दिन में, खत्म करके ईएमआई तक का काम हो जाएगा, फिर एसी, फिर ऑप्टिक्स, देन उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स। जनवरी तक पूरा रिवीजन खत्म करना है, फिर फरवरी में तुम्हारा टेस्ट 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 लेके मार्च में तुम्हारा सिस्टम। नंबर ले आओगे ना पापियो? उम्मीद तो है नंबर ले आओगे? यस सर, फिजिक्स में तो ले आएंगे। अच्छा, गुड, शाबाश, थैंक यू। चलो आज के लिए इतना ही बच्चा, नमस्कार। थैंक यू सर। लोग चैट में कुछ लिख रहे हैं, प्री बोर्ड कब है? साक्षी जी, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया कि प्री बोर्ड कब है, क्योंकि प्री बोर्ड लेने के लिए यार ऑनलाइन का फायदा नहीं, प्री बोर्ड, ठीक है जी? जब स्कूल खुले तभी फायदा है मेरे हिसाब से, तो ऑनलाइन का चेक तो हम नहीं कर पाते, पता क्या है, वो टेस्ट ले भी लेंगे, चेक हमसे होते नहीं, आंखें खराब रहती हैं, क्या क्या चेक करे, टिक का हमारे बंदा उस पे। हमारे सर जो एमसीक्यू वाले लिए थे, उनके भी, उनके तो मैंने चेक कर दिए, एमसीक्यू चेक कर दिया मैंने, जिसने क्लास में दिया था उसके मार्क्स से नहीं पता। अच्छा, वो मैं दे भेज दूंगा, भूल गया, मेरा लिखे हैं मार्क्स, सबको मैंने दिए हैं, प्लस वन को दिए, मार्क्स मार्क को भी देता, मैं भूल गया तुम्हारा, ठीक है, रखे हैं मेरे मार्क्स, दा दूंगा तुमको, ठीक है? चलो, बाय बाय।